या आपके भी मोबाइल का बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आप बैटरी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते करते परेशान हो जा रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो में जो सेटिंग बताता हूँ उस सेटिंग को अप्लाई कीजिए। आपका बैटरी यदि 1% चार्ज करते हैं तो आपका वहाँ पर 1 घंटा चार्ज, मतलब 1 घंटा मोबाइल आपका वहाँ पर यूज कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। यदि 100% चार्ज कर देते हैं तो 100 घंटा आपका चलेगा, कम से कम 90 या 95 घंटा आपका चलेगा। बट आपको ये सेटिंग करने पड़ेगी जो इस वीडियो में सारे सेटिंग बताने वाला हूँ, जो सेटिंग बताने वाला हूँ सेटिंग को आप अपने फ़ोन में कर लीजिए, उसके बाद आपका बैटरी 1% 1 घंटा चलेगा, यानी 100% चार्ज करते हैं तो 100 घंटा आपका फ़ोन चलने वाला। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या सेटिंग करना है मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। कभी कभी आपके फ़ोन में कुछ ऐसा सेटिंग हो जाता है जिससे आपका फ़ोन का बैटरी जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हैं उसमें भी आपका बैटरी खर्च होने लगता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई ऐप आज से 5-6 दिन पहले चालू किए थे, बट आपका कुछ ऐसा सेटिंग हो गया होगा कि आपका वो मतलब ऐप आपका बैटरी वहाँ पर बैकग्राउंड में मतलब चलता होगा, ठीक है, तो उसमें आपका बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होता है। या तो आपके फ़ोन में कभी 50% चार्ज दिखाता है और कब वो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर 30% हो जाता है, तो भी आप इस सेटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। आपके फ़ोन की बैटरी पहले ज़्यादा चलती थी बट अभी आपका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम चल रहा है, तो भी आप इस सेटिंग को कीजिए। हर एक इंसान को ये सेटिंग करना चाहिए, ठीक है, हर एक फ़ोन में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है। आपको सेटिंग में आना है और सेटिंग के ऊपर में देखिएगा सर्च का ऑप्शन मिलता होगा, वहाँ पर आपको लिखना है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है। आपको वहाँ पर लिखना है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। रिस्टोर सेटिंग भी आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपके फ़ोन में अलग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देखिए और नीचे की तरफ आता हूँ तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करूँगा एक बार क्लिक करूँगा रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर, उसके बाद ओके कर दूँगा, ठीक है। ओके कर दीजिएगा जिससे आपके फ़ोन में कोई भी सेटिंग गड़बड़ी हुआ होगा, कोई भी वो मतलब जो फ़ोन में सेटिंग होता है नए फ़ोन में उस तरीके का सेटिंग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर कर लीजिएगा एक बार रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है, आपको ये कर लेना है जिससे आपका सेटिंग के कारण भी आपका वहाँ पर बैटरी बहुत कम बेसी दिखाता है, आपका बैटरी बैकग्राउंड ऐप में जो ऐप आप यूज नहीं करते हैं उसके बैकग्राउंड में भी आपका बैटरी खर्च होता है, तो आपका ये बंद हो जाएगा, मतलब बैटरी ख़त्म होने का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। पहला सेटिंग कर लेना है और दूसरा सेटिंग है कि अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन, आप वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं या तो आपको लॉक स्क्रीन मिल जाएगा। वहाँ पर देखिएगा एक स्लीप का ऑप्शन आता है, स्लीप, ठीक है, फर्स्ट वाले पर देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी आपका फ़ोन ऑटोमेटिक मतलब ऐसे मैं अभी जो स्क्रीन ऑन है तो मैं कहीं पर फ़ोन रखता हूँ तो यहाँ पर 1 मिनट है, ठीक है। आप यहाँ पर 30 सेकेंड कर देते हैं तो 30 सेकेंड के बाद आपका ऑटोमेटिक फ़ोन यहाँ पर मतलब स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। आपका मोबाइल ऑन मतलब ऑन तो रहेगा मतलब पावर ऑफ नहीं होगा, बट आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा जिससे आपका वहाँ पर लाइट में खर्च नहीं होगा, आपका बैटरी वहाँ पर आपका बैटरी बचने वाला है, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा 1 मिनट, आप यहाँ पर 30 सेकेंड कर सकते हैं या तो 1 मिनट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नेवर कर देते हैं, मतलब आपका फ़ोन कभी लगे ना हो तो आपका मतलब ऐसा स्क्रीन ऑन हमेशा रहे तो आपका बैटरी बहुत ज़्यादा वहाँ पर खर्च होगा, या तो 10 मिनट कर देते हैं। तो आप 1 मिनट 30 सेकेंड या 15 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट, आप इन तीनों में से एक कोई सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं 1 मिनट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद बैक आता हूँ, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, आपको खोज लेना है अपने फ़ोन में कहीं ना कहीं बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप बैटरी पर क्लिक करना है। बैटरी पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ यहाँ पर सेटिंग होती है जो कि आप इमरजेंसी में मतलब इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। मतलब कभी मान लीजिए आपका फ़ोन में 2% चार्ज है, आप कहीं यात्रा पर है, कहीं जा रहे हैं, आपका मतलब फ़ोन आप चाहते हैं कि स्विच ऑफ ना हो के मतलब आपकी फ़ोन की बैटरी वहाँ पर बचत हो, तो आप ये इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। देखिए एक अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन आ रहा है, आप सर्च भी कर सकते हैं सेटिंग में आकर अल्ट्रा बैटरी सेवर, ठीक है। यदि देख लीजिए मेरा अभी फ़ोन का मतलब यहाँ पर मैं चालू कर देता हूँ 43% चार्ज है, तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि 43 hours 51 minutes मतलब मैं इसे यूज कर सकता हूँ अभी, मतलब 43% चार्ज है तो 43 मिनट में अभी इस
फ़ोन को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसे ऑन कर देता हूँ तो अल्ट्रा बैटरी सेवर में इसे ऑन कर देता हूँ। इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो वहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आएगा, उसी एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन को प्लस वाले पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कीजिएगा, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कभी इमरजेंसी में आप इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन, मतलब कौन सा ऐप आपका बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसे भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसे यहाँ से इसे मतलब फोर्स स्टॉप भी कर सकते हैं, जो आपका मतलब यहाँ पर जिसे आप यूज नहीं करते हैं उसका फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा, तो ये आपका ये सेटिंग हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।